अगर आप देखें तो सामने आपको ये सारी शक्कर की। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो 8-15 शुबान उल मौसम है और से मुबारक हजरत सकीलाल शुबाज कलंदर जी। ट्रैफिक का काफ़ी शोर है और से मुबारक हजरत सकीलाल शुबाज कलंदर। 15 शुबान से 20 शुबान देखने और दिखाने के लिए आप तमाम दोस्तों को हम जा रहे हैं सेवन शरीफ। लाल शुबाज कलंदर को सलाम करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, आपको दिखाएंगे इस छोटी सी बाइक पर। ये आप तमाम दोस्तों की मोहब्बत है कि इस बाइक पर हम जा रहे हैं। दो दोस्त हैं हम भी, चार बंदों का हमारा ग्रुप है। हम चले से अपने शहर अलीपुर से कोई 1 बजे, अब खैर से हम कोई 5:15 का टाइम है, अब हम पहुंच गए हैं सखर के करीब। तो बाकी सफ़र भी इंशाल्लाह हमारा अच्छा गुजरेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो हमारा सफ़र खैरियत से जारी है। हम अलीपुर से रवाना हुए थे दोपहर में कोई 12:30 बजे के करीब, अब 5:30 का टाइम होने वाला है। रास्ते में हमने स्टे भी किया था और अब हम मजरूर से अगले पहुंच चुके हैं सखर शहर के करीब। अब हम पहुंचने वाले कोई 60-70 किलोमीटर हमसे दूर रह गए सखर। सखर में हमने स्टे करना है, मुमकिन है रात हम वहाँ सफ़र में गुजारे। आपको वहाँ की ज़्यारत कराएँगे और शहर दिखाएँगे, उससे आगे फिर अगला सफ़र हम सुबह शुरू करेंगे। शहर है जिसका नाम मीरपुर माथेलो है। तो मीरपुर माथेलो क्रॉस करते ही बारिश शुरू हो गई है। बारिश काफ़ी मकदार में, लेकिन इतना शदीद नहीं है कि हम अपनी मोटरसाइकिल रोक कर यहाँ पर क़याम करें वक्ती तौर पर। अब किसी जगह पर बारिश ज़्यादा है, किसी जगह पर कम हो रही है। बहरहाल यहाँ पर अपना मुसलसल कर रहे हैं। यह कि अगर खुदा ना खास्ता बारिश मज़ीद तेज़ होगी तो हम रुक जाएँगे और अपना सफ़र बेवकफा करेंगे, और बारिश के रुक जाने के बाद या कम हो जाने के बाद हम दोबारा सफ़र शुरू करेंगे। तो वो सामने वाली सड़क जो आप देख रहे हैं वो पंजाब की तरफ जा रही है, कराची हैदराबाद और यहाँ से इन शहरों से होते हुए वापस पंजाब की तरफ सड़क जा रही है। और जिस सड़क पर हम जा रहे हैं अंदरून सिंध में, हम जा रहे हैं सिंध की नेशनल हाईवे है। हमारा सफ़र है जी। अस्सलाम वालेकुम। तो हम गुज़िश्ता रोज़ सेवन शरीफ के लिए रवाना हुए थे पंजाब अलीपुर से। कल तक करीबन कोई सपहर 3 बजे बारिश शुरू हुई थी, जो कि रात 12-12:30 बजे जाकर कम हुई है, उसके बाद फिर रुक गई है मुकम्मल तौर पर। तो हम अब सखर में मौजूद हैं। सखर में कुछ हमने व्लॉगिंग करनी है, ज़्यारत यहाँ की देखेंगे और आपको दिखाएँगे। तो सखर के थोड़े से व्यूज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। हाँ जी, ये हम नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि खूबसूरत मनाज़र हैं और बारिश के यहाँ पर आप आसार अभी तक आपको नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ पर ये पानी और बारिश अभी जमा है। अब दिन का मौसम काफ़ी बेहतर लग रहा है कि अब शदीद बादल नहीं है। तो इस तरफ हमने रूम लिया था, ये हमारे
होटल का रूम है 105। इस तरफ चल, झूरें नज़र आ रही हैं और सूरज देखें काफ़ी खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। तो इस वक्त हम सेवन शरीफ की तरफ जा रहे हैं, सुबह कोई 9 बजे का टाइम है। इस वक्त हम सकर में मौजूद हैं, सकर शहर के एक मशहूर पेट्रोल पंप पर खड़े हैं और यहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ के कुछ मनाजिर जो कि पंजाब भर से और पाकिस्तान से तमाम ज़ायरीन अपनी गाड़ियों पर आ रहे हैं, चल कर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सुबह 9 बजे के मनाजिर हैं, आज 16 शबान की सुबह है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बसें काफ़ी तादाद में इस पेट्रोल पंप पर, सर्विस पंप पर मौजूद हैं और यहाँ से आप ज़रीन को देख रहे हैं कि पंजाब भर से और पाकिस्तान से आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों पर मौजूद हैं। तो ये सकर से 20 किलोमीटर आगे निकलने के बाद बिल्कुल सड़क के किनारे ही लंगर आम शहबाज सखी के नाम के दीवाने हैं, उन्होंने लंगर आम का इत्माम किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे चल रहा है और ये सारी गाड़ियाँ रुक कर यहाँ पर लंगर कर रही हैं। हाँ जी, इस तरफ भी सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़िले रुक रहे हैं और लंगर कर रहे हैं। सारा लंगर यहाँ पर तैयार हो रहा है, पका रहे हैं और साथ ही साथ तकसीम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो अलीपुर पंजाब से सफ़र करते हुए हम पहुंच चुके हैं सकर से अगला स्टॉप जो मोरो का होता है, मोरो बाईपास मेन चौक पर अब हम खड़े हैं। यहां से अगला सफ़र 70 किलोमीटर रह गया सेवन शरीफ का। तो मोरो स्टॉप की जो रौनकें हैं, ज़ायरीन की गाड़ियां हैं, बसें हैं, वैगने, ट्रक और दीगर मस्जिदें वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। मोरो शहर हमेशा ही रौनक से भरा होता है, ख़ासतौर पर सेवन शरीफ के मेले के दौरान। तो इस जगह पर मौजूद तमाम खूबसूरत जगह गाड़ियाँ और रोन के मेल के आपको दिखाते हैं। बस बंद कर दिया क्लिप।